नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य जागेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए यानी कि कर्क राशि के लिए बहुत खास है। चार महीने देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। कब? 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह वक्री होने वाले हैं। दोस्तों, अब ये देवगुरु जो हैं वक्री हो जाएंगे, तो आज हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति वक्री के 4 महीने कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो ग्रह होते हैं गुरु और शनि हर साल वक्री होते हैं। वक्री क्यों होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जब सूर्य सारे ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं और नज़दीक आ जाते हैं परिक्रमा करते हुए, तो डिग्री वाइज ग्रह कुछ दूरियां बना लेते हैं, तो वक्र अवस्था में हो जाते हैं। वक्र का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक भाव पहले का भी रिजल्ट फल देना शुरू कर देता है। और शास्त्र भी कहता है कि ग्रह जो भी प्लेनेट वक्री होते हैं, जो अपोजिट यानी कि विपरीत फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। कोई ग्रह उच्च का हो, कोई ग्रह नीच का हो, तो आपके जीवन में अपोजिट फल देना शुरू कर देगा। तो आज हम जानेंगे यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये जो गोचर है, वक्री अवस्था है, इसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि इसमें बृहस्पति ग्रह मेष राशि में वक्री होने वाले हैं, यानी कि कर्क राशि को आपके दशम भाव पे वक्री होने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो क्या बदलाव आने वाला है आपके जीवन में? लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्रह वक्र हो जाने के बाद उल्टे चलने लगते हैं, उल्टे हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं होता। वक्री का मतलब सिर्फ होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना कर पाना। हर ग्रह सूर्यदेव की परिक्रमा कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और अपनी सही चाल के हिसाब से गोचर नहीं कर पाते, तो उसको वक्र कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है कर्क राशि को, आपकी चंद्र राशि आपके जन्म की राशि पर आधारित है। दोस्तों, इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। देवगुरु बृहस्पति 4 महीने के लिए वक्री होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को आपकी राशि से यानी कर्क राशि से दसवें भाव पे मेष राशि पर वक्री हो जाएंगे। तो क्या फल देंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानते हैं विस्तार से। तो कर्क राशि के जातकों, बता दें कि इसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, कारोबार में विशेष लाभ होगा, कैरियर में लाभ होगा, साथ ही बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। पार्टनर में काम कर रहे हैं तो विशेष लाभ होता हो नजर आएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके नवम भाव के, आपके छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव पर बैठे हैं, तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, कैरियर में लाभ होगा, नौकरी की प्राप्ति होगी। इसमें आपको पूरी तरह से कहा जाए तो नौकरी और बिजनेस व्यापार और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, साथ ही प्रॉफिट होगी, आपका कामकाज के प्रति मूड रहेगा, बहुत ही बेहतर मूड रहेगा। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलताएँ जरूर मिलेगी। इसमें उच्च अधिकारियों को सपोर्ट प्राप्त होगा, बड़े अधिकारी आपके कामकाज से काफ़ी संतुष्ट नजर आएंगे, इम्पोर्टेंट फैसले डिसीजन लेने के लिए जाने जाएंगे इसमें, और ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा, कुछ निर्णय जो आपके लिए काफ़ी हितकारी साबित होंगे। तो कारोबार को लेकर चिंताएं दूर होंगी, बिजनेस व्यापार में जो चिंताएं दूर होंगी, अनेक प्रकार के क्षेत्रों से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। इसमें पार्टनर में काम करते हैं तो अत्यधिक लाभ हो सकता है, नए सिरे से कोई बिजनेस व्यापार के बारे में सोच सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यानी कि सफलताएँ प्राप्त हो सकती है, मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। इसमें आप के द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी अच्छे रहेंगे, बिजनेस व्यापार तेजी चलेगा, नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, साथ ही बड़े अधिकारियों से संबंध काफ़ी मधुर बने रहेंगे। और अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, पारिवारिक जीवन में जो तनाव चल रहा था, जो यानी कि असमंजस की स्थिति थी, वो दूर होगी, साथ ही जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे, जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर यहाँ पर किसी प्रकार के जीवन साथी से अभी तक कोई तालमेल अच्छे नहीं थे, तो तालमेल भी अच्छे होंगे, एक दूसरे के करीब रहेंगे, नज़रों में रहेंगे एक दूसरे के। और साथ ही साथ बता दें कि इस दरमियान अगर
जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन साथी कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी में तो प्रमोशन उनको मिलेगा ही मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान एक जगह से दूसरी जगह मन चाहे जगह पर ट्रांसफर होगा, लेकिन बिजनेस व्यापार में आपकी सहयोगिता भी बहुत ज़्यादा होगी पद पत्नी के बीच में। चलिए बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा ध्यान जरूर रखना होगा, हालांकि स्वास्थ्य बेहतर होगा। स्वास्थ्य यानी कि इसमें देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से स्वास्थ्य आपका बहुत ही उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा खान पीन की चीज़ों में ध्यान रखें, और पहले से अगर कोई गुप्त बीमारी थी तो वो दूर होती नजर आएगी। हालांकि इसमें आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने फिट यानी कि हेल्थ को लेकर बहुत यानी कि सजग रहेंगे। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट की। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तैयारी जो कर रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, या फिर बड़े संस्था में दाखिला लेने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षा में भी लाभ होगा। साथ ही यहाँ पर बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको सुधार होगा, आपको शिक्षा में वृद्धि देखने को मिलेगी, ज़्यादातर आपका फोकस यानी अपने शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको संतान की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, तो जीवन साथी से खुशखबरी आपको मिलेगी संतान को लेकर भी, घर में खुशियाँ देखने को मिलेगी। जो एक यानी कि माहौल अच्छा नहीं था घर परिवार का, वो माहौल अच्छा देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे, उनके साथ काफ़ी इन्जॉय करते नजर आएंगे, बहुत अच्छा पल महसूस करेंगे उनके साथ, एक दूसरे का मान सम्मान को शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, तो प्रेम जीवन में भी खुशियाँ बरसेंगी, सब यानी सभी का साथ मिलेगा, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो घर परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, माता पिता के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे, विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, नौकरी में आपको लाभ होगा, करियर में विशेष सफलता प्राप्त होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही जगह पर आपको सफलता मिलेगी, कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएं दूर होंगी, अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी, कई महत्वपूर्ण बड़े अवसर आपके हाथ लग सकते हैं, जो कार्य अभी तक अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। और व्यापारियों के लिए काफ़ी खास रहेगा, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, कारोबार में विशेष लाभ होगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको इसमें, आप राशि वालों के लिए इसमें देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करना है, ओम ब्राह्म ब्रीम सह बृहस्पति नमः। साथ ही आपको बृहस्पतिवार के दिन आप जरूर पीली चीज़ों का दान करें, और खासकर इसमें आप पीले कपड़े में आप चने की दाल बांधकर पोटली बनाकर अपने सर से 3 बार किसी गरीब निर्धन को दान करें, केले का दान करें, हल्दी का दान जरूर करें, पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर दान करें किसी गरीब को, या फिर पिसी हुई हल्दी दान करें तो इससे विशेष लाभ होगा, और नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ग्रह क्लेश कटेंगे। तो ये था आपके लिए बृहस्पति ग्रह का वक्री का जो रिजल्ट था, जो फल था, वो राशिफल था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।